नमस्कार, मैं आयशी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ KKR न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जय हिंद दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुमराज के खटकिया चौराहे पर, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज कुमराज की तरफ से लगातार 3-4 दिनों से जो यहाँ पर NH 46 से जो प्रवासी मजदूर गुजर रहे हैं, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया पिछले 4 दिनों से यहाँ पर ये लोग खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, और ये लोग पानी की पाउच और तरबूज ककड़ी और ककड़ी तरबूज के साथ साथ ये लोग जो है कि खाने के लिए भी दाल चावल जो है मुहैया करा रहे हैं। आइए तो इसी के साथ इनसे मिलते हैं। ठीक है सर, आप लोग ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सब ये आगरा मुंबई रोड पे खटके चौराहे पे हम खाना वितरण कर रहे हैं, फल फ्रूट का वितरण कर रहे हैं, और 4 दिन से ये काम कर रहे हैं सारे मुसलमान भाई, मुस्लिम समाज के कुमराज के लोग। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि मुस्लिम समाज कुमराज द्वारा ये कार्य खैर को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये कितने दिनों से चल रहा है विगत? 4 दिन से चल रहा है ये, और सभी भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मिलजुल के, और सभी के सहयोग से काम हो रहा है मुस्लिम समाज। तो सर, जैसे कि आज मैंने देखा है कि आज आप फल फ्रूट तकसीम कर रहे हो, तो इसके अलावा भी आप रोजाना फल फ्रूट ही तकसीम करते हो या और कोई चीज़ भी? नहीं, खाना भी देते हैं, फल फ्रूट भी देते हैं, पानी भी है, बिस्किट भी हैं, बच्चों का सामान भी लाते हैं। तो सर, ये खाना वगैरह में आप क्या 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 तकसीम करते हो? आलू पूड़ी, और इसके बाद चावल भी लिए थे, पुलाव, उसके नमकीन चावल भी बना था, वो भी बनाए थे कल। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम समाज कुमराज द्वारा ये कार्य खैर को अंजाम दिया जा रहा है, और इन दिनों अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो जाहिर सी तो बात है कि मुस्लिम नौजवान जो है कि रोजे से भी होंगे। हाँ बिल्कुल, रोजे से भी हैं सब लोग भाई, रोजे से हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं सब लोग। दोपहर में आते हैं और बांटते हैं, सुबह आके खाना भी बांटते हैं, सब फल फ्रूट भी बांट रहे हैं, तरबूज बांट रहे हैं गर्मी के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि आपने देखा अभी मुस्लिम समाज कुमराज की तरफ से अभी भाई ने बताया कि विगत 4 दिनों से ये काम जारी है। पहले दिन उन्होंने पूरी सब्जी और रोटी बनाई है, इसके अलावा इसके बाद इन्होंने चावल बनाए, इसके बाद ये लगातार फल फ्रूट और बिस्किट वगैरह और पानी ये तकसीम कर रहे हैं। हम KKR न्यूज़ की तरफ से इन सभी का दिली इस्तकबाल करते हैं, और हम आशा करते हैं कि इस न्यूज़ को देखकर और भी लोग जो है कि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को समझेंगे और इस नेक काम के अंदर, सोशल वर्क के अंदर आगे बढ़कर आएंगे। इसी के साथ मैं KKR न्यूज़ से साहिल अली खान, कुमराज, जिला गुना, MP। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की सारी सुर्खियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।